जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम कुलदीप है और स्वागत है आपका अपने चैनल दीप्स एजुकेशन पर। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि हम जो हिस्ट्री है उसको देखेंगे। मैंने इसके नोट्स अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दिए हैं, जो मेरे खुद के नोट्स हैं। यहीं से आपका 80% 80% आपके क्वेश्चंस आप अपने एग्ज़ाम में देखोगे, ठीक है। ये मेरी गारंटी है इस चीज़ की। और एक बार आप एक वीडियो भी देख लोगे तो आपको अपने आप भी पढ़ने में मज़ा आ जाएगा, आपको चीज़ें समझने आने लगेंगी। जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे इसके आगे की जो भी वीडियोज हैं आप तक पहुंचती रहेंगी। तो शुरू करते हैं बिना फालतू टाइम ख़राब किए। सबसे पहले हम आज देखेंगे मध्यकालीन को, मिडाइवल को। मध्यकालीन को मैंने क्यों लिया है, क्योंकि एक तरह से यहीं किसे आपको पढ़ने में मज़ा आना शुरू होगा। तो बात आती है मध्यकालीन मिडाइवल, ये कौन सा टाइम पीरियड है। यह टाइम पीरियड होता है प्राचीन काल एंशिएंट और जो मॉडर्न है आधुनिक काल है उसके बीच का यह टाइम पीरियड था। या मैं ऐसे कहूँ कि जब आपने नाम सुना होगा, जब मोहम्मद गौरी आया था या फिर महमूद गजनबी आया था, तो वो इसी पीरियड में आया था। और मैं आपसे कहूँ कि अपने यहाँ पर पुर्तगाली आए थे, अंग्रेज आए थे, तो उनसे पहले का जो टाइम था वो अपना मध्यकालीन या मिडाइवल है। आप समझ गए होंगे। तो शुरू करते हैं चीज़ों को। तो इसी में क्या होता है कि जो मिडाइवल समय में क्या होता है कि अपने यहाँ पर जो मुस्लिम थे, जो अपने विदेशी, जो बाहर से जो मुस्लिम आए थे, अरब से, तुर्क से, है ना, तो उनके बारे में हम जिक्र करते हैं। तो जब मुस्लिम का जिक्र आया है तो आपके पास पता होना चाहिए कि इस्लाम धर्म क्या होता है, ठीक है। तो इस्लाम धर्म की उत्पत्ति वगैरह, ओरिजिन कैसे हुआ, क्या कैसे नहीं हुआ, मोहम्मद पैगंबर साहब कौन थे, उन सभी के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन बनता है कि जो हिस्ट्री होती है, इतिहास है, उसके फादर कौन है, जनक कौन है। तो उनके जनक का आपको नाम याद रखना है हेरोडोटस, ठीक है। इसको कैसे याद करोगे, देखो कोई बाप है अपने जो बेटा है, अपनी बेटी है, उनसे कह रहा है कि हेलो डॉटर्स, वो काफ़ी टाइम बाद मिला है तो उनसे कह रहा है हेलो डॉटर्स, तो बस से बन गया हेरोडोटस, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है। अब बात आती है इस्लाम धर्म का ओरिजिन कैसे हुआ, उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इसमें एक नाम आता है मोहम्मद पैगंबर साहब का, ये कौन थे। पहले याद करना है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। इनका जन्म हुआ था सऊदी अरब में, ठीक है। सऊदी अरब में एक जगह है मक्का, आपने सभी ने नाम सुना होगा मक्का और मदीना, ठीक है। आप सभी ने यह भी सुना होगा कि जो मुस्लिम्स होते हैं वो हज की यात्रा पर जाते हैं, कहाँ पर, मदीना या मक्का, जो भी है, ठीक है। तो इन दो जो नाम है मक्का मदीना, इनका काफ़ी नाम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो मुस्लिम्स हैं उनके लिए, ठीक है। तो इनका जन्म हुआ था सऊदी अरब में मक्का नाम की जगह पर 570 AD में, ठीक है। इनका जन्म, जो जनजाति थी वो थी कबीला। जिनको नहीं पता उनको बता दूँ, कबीला जनजाति वो होती है जो गाय, भेड़, बकरी इनको चराते हैं। तो ऐसे ही जब ये अपनी जो गाय, भेड़, बकरियों को चरा रहे थे तो इनको एक एनर्जी मिलती है, ठीक है। एनर्जी का मतलब समझ सकते हो, इनको एक आवाज़ मिली कहीं से, आकाशवाणी हुई, उन्होंने इनसे क्या बोला, उन्होंने बोला कि तुम्हारा जन्म ये भेड़ बकरी चराने के लिए नहीं हुआ है, जो तुम भी अपना टाइम ख़राब कर रहे हो इनमें। तो इन्होंने बोला फिर मैं क्या करूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है, क्योंकि आपने, हमने कभी ना कभी सुना होगा लाइफ में कि हर किसी का जन्म कुछ ना कुछ विशेष कारण, विशेष पर्पज के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसे ही जो पैगंबर साहब थे, उनसे उन्होंने जो एनर्जी थी उसने बोला कि तुम्हारा जन्म हुआ है कि तुम्हें दो चीज़ों का प्रचार करना है। उन्होंने बोला कौन सी दो चीज़ें, तो पहली चीज़ थी कि तुम्हें विरोध करना है, तुम्हें अपोच करना है मूर्ति पूजा का। जैसे अपने हिंदुओं में मूर्तियों की पूजा की जाती है, तो कहा था इनसे कि तुम्हें सबसे पहले तो मूर्ति पूजा का विरोध करना है, और दूसरा है एकेश्वरवादी, मतलब मोनोथिज्म, आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ईश्वर को मानना है, एक ईश्वर को फॉलो करना है। जैसे अपने यहाँ हिंदुओं में 36 करोड़ देवी देवता होती हैं, तो इनसे बोला गया था कि आपको सिर्फ एक ही ईश्वर को फॉलो करना है, सभी को नहीं करना, इन दो कारणों से तुम्हारा यहाँ इस धरती में जन्म हुआ है। उन्होंने कहा ठीक है, मेरा इसीलिए जन्म हुआ है तो मैं इनका ही प्रचार करूँगा। जब ये अपना इस चीज़ का प्रचार कर रहे थे, अब तुम्हें पता होगा जब हम कोई भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो उसका कहीं ना कहीं विरोध होता है। जैसे कि अयोध्या में राम मंदिर बनना शुरू हुआ तो उसका भी काफ़ी अपोज हुआ था।
तो कहीं भी कोई भी चीज़ आप स्टार्ट करोगे उसका विरोध होना पक्का तय है। ठीक है, जैसे कि आपने तैयारी शुरू करना शुरू की होगी तो बहुत लोगों ने आपसे कहा होगा कि तुम तैयारी नहीं कर पाओगे, तुम पास नहीं होगे, लेकिन तुम ज़रूर होगे लाइफ में। तो सेम इनके साथ था। तो जो अपने प्रचार कर रहे थे तो 622 AD में इनको वहाँ के लोगों ने काफ़ी परेशान करना शुरू कर दिया कि तुम अब यहाँ मक्का में नहीं रहोगे। तो 622 ईस्वी में यह चले गए मक्का से मदीना। तो जो मक्का से मदीना जाने को कहते हैं, ये टर्म काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाम रखना हिजरी संबत। हिजरी संबत आगे दिखा दूंगा लिखा हुआ, आपके पास नोट्स में भी लिखा होगा जो मैंने टेलीग्राम पर शेयर किया हुआ है, और जो टेलीग्राम की लिंक है नीचे कमेंट बॉक्स में पिन कर दी गई है, वहाँ जाकर आप देख सकते हो। तो 622 से में ये मक्का से मदीना गए थे पैगंबर साहब, जिसको बोलते हैं हिजरी संबत। आपने एक नाम सुना होगा, एक बुक आती, एक पुस्तक आती है हिंदुओं की, आती है भगवत गीता। ऐसे जो इस्लाम है उसमें आती है कुरान। तो कुरान को पैगंबर साहब ने ही लिखा था, और कब लिखा था, यह लिखा था 632 ईस्वी में, कहाँ पर, कुरान लिखी थी जब ये मदीना में रह रहे थे उसी टाइम पे। ठीक है, अब चूंकि इनकी मौत हो गई 632 में, ठीक है, तो जब इनकी मौत हुई थी, अब ऑब्वियसली बात होती है, जैसे कि कोई भी गुरु होता है, जैसे जो भी धार्मिक गुरु होते हैं या कोई जैसे और गुरु होता है, तो उनकी मौत के बाद कोई ना कोई गद्दी पर बैठाया जाता है। ठीक है, अब गद्दी पर कौन बैठेगा जब पैगंबर साहब नहीं रहे, तो जो उनके अनुयायी थे, जो फॉलोअर्स थे, जो उनको मानते थे, उनको कहते थे अपन खलीफा। इम्पोर्टेंट नाम है खलीफा, जो एक तरह से गद्दी पर बैठेगा। खलीफा ही आगे दो ब्रांच में डिवाइड हो गए। तुमने नाम सुना होगा शिया और सुन्नी, दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं सुन्नी और एक होता है शिया। ठीक है, ये खलीफा दो भागों डिवाइड हो गए थे। अब ये जो सुन्नी है ये कौन थे, शिया हैं ये कौन थे, तो इनमें जो अपना डिफरेंस है वो ये रहेगा, जो पैगंबर साहब को ही फॉलो करते थे बस, या फिर जिन्होंने अपने भी कुछ जो नियम कायदे कुछ बना लिए थे। ठीक है, तो उसके बारे में देखेंगे। ये जो लिखा हुआ है हर्ष गुप्ता वंश, इनको छोड़ देना, ये अभी बाद की बातें हैं आपकी। ठीक है, हाँ ये बता दिया, इस्लाम धर्म की स्थापना पैगंबर मोहम्मद साहब ने की थी। इनका जन्म मक्का में हुआ था, 570 AD में, ईस्वी में हुआ था। मक्का सऊदी अरब में स्थित है। ठीक है, इनके पिता का नाम था अब्दुल्ला, माँ, इनके जो माता पिता है इनका नाम भी याद कर लेना, कभी कभी पूछ लिया जाता है। ठीक है, पिता का नाम था अब्दुल्ला और माता थी अमीना। ठीक है, और पत्नी का नाम था खतीजा। अब इस्लाम धर्म का उद्देश्य क्या था, पर्पज क्या था, क्योंकि कोई भी धर्म बनता है तो उसके कुछ ना कुछ पर्पज होते हैं, कुछ ना कुछ कारण होते हैं। पहला था मूर्ति पूजा का विरोध करना है, दूसरा है एकेश्वरवाद या फिर मोनोथिज्म में आपको विश्वास रखना है। ठीक है, फिर क्या हुआ था, मैं बता ही दिया था आपको कि इनको एक जो एनर्जी मिली थी, तो एनर्जी मिलने के बाद किया क्या था, इन्होंने मक्का में मूर्ति पूजा का विरोध करना शुरू कर दिया था। तो ऑब्वियसली बात, जब आप विरोध करोगे तो वहाँ के लोग आपसे झगड़ा करेंगे। ठीक है, जैसे कि जो अपने ये होते हैं, जो ईसाई होते हैं, ईसाई में भी उनको लटका दिया था, तो ऐसे ही यहाँ पर। ठीक है, और 622 में वो मक्का से मदीना चले गए थे। इस घटना को बोलते हैं इस्लाम धर्म में हिजरी संबत, इसी नाम से आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। फिर इन्होंने मदीना में पवित्र कुरान का संकलन किया था, मतलब लिखी थी। फिर 632 ईस्वी में मदीना में इनका देहांत हो गया, इनका अंत हो गया। ठीक है, फिर ऑब्वियसली बात है कि उनके कुछ उत्तराधिकारी होंगे जो गद्दी पर बैठेंगे, उन्हें कहा गया खलीफा। अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आएगा कि मोहम्मद पैगंबर साहब के बाद पहले खलीफा कौन हुए, आंसर जाएगा अबू बकर। अबू बकर याद कर लेना, बकर बनता है कर्व बनता है, उससे याद कर सकते हो अबू बकर। ठीक है, इन खलीफाओं के समय में ही इस्लाम धर्म दो भागों में डिवाइड हो गया था। ठीक है, क्योंकि जो मेन पैगंबर साहब थे उनका हो चुका है देहांत, अब कोई भी गद्दी पर बैठेगा उनमें होगा आपस में झगड़ा विचारधाराओं को लेकर। जैसे कि जो जैन धर्म में भी दो भागों में डिवाइड हुआ है, वो एक तो होता है श्वेतांबर, एक होता है आपके कौन से, एक होते हैं आप दिगंबर। दोनों में अंतर है, कुछ तो जो प्राचीन जो अपनी कुरूतियाँ हैं उनको ही मान के चलते हैं, कुछ नई नई चीज़ें अपनाते हुए जा रहे हैं, कोई अपने श्वेत कपड़े पहनते हैं, कोई कपड़े नहीं पहनते हैं, तो विचारधाराओं में अंतर आ जाता है। ठीक है, तो जो सुन्नी है वो कौन थे और शिया है वो कौन थे, तो जो क्या था कि जो मोहम्मद पैगंबर साहब थे जो उनके ज्ञान को मानते हैं वो तो होते हैं सुन्नी, और इनकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, ये है 85-90%। और ये मोस्टली कहाँ पाए जाते हैं, ये जो अपने सुन्नी हैं ये कौन होते हैं, ये मोस्टली होते हैं सऊदी अरब में। कैसे याद करोगे, क्योंकि उनका जन्म ही सऊदी अरब में हुआ था पैगंबर साहब का, तो जो सऊदी अरब है वहाँ पर होते हैं,
साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया है यहाँ ज़्यादा पाए जाते हो, चाउ जो अपना चाइना है, चीन है, यहाँ ज़्यादा ये मिलते हैं। दूसरी थी शिया। शिया कौन होते हैं? जो पैगंबर साहब के ज्ञान को तो मानते हैं, उनके नॉलेज को तो मानते हैं कि वो सही कहते थे, साथ ही साथ जो अपना खलीफा हैं, जो इनके जो नई विचारधारा हैं, इनको भी साथ साथ मानते हैं, जो खलीफाओं के ज्ञान में भी विश्वास करते हैं, उनको कहते हैं शिया। ये कहाँ होते हैं? इराक और ईरान, जिनमें काफ़ी कट्टरता होती है। ठीक है, फिर बात आती है कुरान किस भाषा में लिखी गई है। कुरान लिखी गई है, एक भाषा थी अरबी। कैसे याद करोगे? क्योंकि याद करो कि पैगंबर साहब का जन्म कहाँ हुआ था, सऊदी अरब में हुआ था, तो उससे याद कर सकते हो कि सऊदी अरब में जब कोई चीज़ लिखी गई है तो भाषा भी वहीं की होगी, तो अरब से बन गया अरबी। फिर बात आती है, अब यहाँ पर होंगे मुस्लिम आक्रमण, मुस्लिम्स अटैक, है ना, जो बाहर से आए थे। इनमें ही आप पढ़ोगे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनी, या फिर गजनबी, या फिर मोहम्मद गौरी, जिसको पृथ्वीराज चौहान ने धूल चटा दी थी। ठीक है, तो बात आती है भारत में तीन मुस्लिम सुल्तानों ने आक्रमण किया था, मोहम्मद बिन कासिम है, महमूद गजनी है और मोहम्मद गौरी है। अब बात आती है, कोई भी आक्रमण होता है, कोई भी अटैक होता है, उसका भी कुछ ना कुछ पर्पज होता है। जैसे आपका कहीं झगड़ा होता है किसी से, तो आप झगड़ा कुछ कारणों से करते हो, फालतू तो झगड़ा कौन ही करेगा, कुछ करते होंगे जो सन की खोपड़ी के होते हैं। तो इनके आक्रमण करने का पर्पज़ था वही धन दौलत आपको यहाँ से लूट के लेके जानी है ना, क्योंकि जहाँ से ये आए हैं वहाँ का काफ़ी डेवलपमेंट करोगे, अपने जो साम्राज्य को आप बड़ा करोगे। और दूसरी बात वही इस्लाम धर्म है आपका, तो आपको अपने धर्म का प्रचार प्रसार करना है, आपके अपने धर्म को फैलाना है कि हमारा धर्म ही सारी दुनिया में फैले। ठीक है, इनका भी यही पर्पस था। पहली बात आती है वो मोहम्मद बिन कासिम की, इम्पोर्टेंट है, देख लेना कि मोहम्मद बिन कासिम ने इंडिया पर, हिंदुस्तान पर आक्रमण कब किया था। यह किया था 712 ईस्वी में, 712 एडी में मोहम्मद बिन कासिम ने पहला आक्रमण किया था। कोई क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहला मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, आंसर जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि मुस्लिम आक्रमणकारी, विदेशी आक्रमणकारी कौन था, मोहम्मद बिन कासिम। या कोई आपसे पूछे कि पहला अरब से आया हुआ मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था, तो उसका आंसर भी जाएगा मोहम्मद बिन कासिम। मैंने अरबी नाम क्यों लिया, क्योंकि याद रहे आपको, अभी आगे आएगा भी, अरब से तो था मोहम्मद बिन कासिम, और जो तुर्की से थे दोनों, महमूद गजनी और महमूद गजनबी। ठीक है, आपको कैसे याद कर सकते हो, जैसे मेरा एक दोस्त है अमन तिवाड़ी, तो मैंने उससे याद कर रखा है, अमन से बन गया ए, तिवाड़ी से बन गया टी। तो अमन पहले आया, मतलब पहले आया ए से अरब, दूसरे पे आया टी, टी से बन गया मेरा तुर्की। ठीक है, तो अपना जो मोहम्मद बिन कासिम है वो आया अरब से, और टी मतलब तुर्की, तुर्की से आए महमूद गजनी और मोहम्मद गौरी। तो मोहम्मद बिन कासिम ने हमला कहाँ किया था, अटैक कहाँ किया था, वो किया था सिंध, सिंध में किया था। ठीक है, और सिंध का राजा कौन है, राजा है दाहिर। दाहिर कौन है, वो है ब्राह्मण, याद रहेगा। मोहम्मद बिन कासिम ने हमला किया सिंध पर, सिंध का राजा है दाहिर, और दाहिर है ब्राह्मण, ब्राह्मण वंश का है। ठीक है, तो भारत पर पहला आक्रमण करने वाला, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। हमला कब किया, 712 ईस्वी में किया था, सिंध पर किया था, राजा था दाहिर, और कासिम ने दाहिर को मारकर सिंध को बुरी तरह से लूट लिया था। ठीक है, अब बात आती है जजिया कर। जजिया कर को सबसे पहले भारत में कासिम ने ही लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने। अब दो तरह के कर होते हैं आपके पास में, एक कर होता है जकात और एक होता है जजिया। इन दोनों जो टैक्स है, इन टैक्स में डिफरेंस क्या है ना। तो जो जजिया कर है वो लगता है जो आप मुस्लिम नहीं होते हो, अगर आप मुस्लिम नहीं हो तो आप पर टैक्स लगेगा जजिया। अगर आप पर टैक्स लग रहा है जकात, तो वो लगेगा जो मुस्लिम्स हैं उन पर भी। ठीक है, तो मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया है टैक्स, वो खुद कहाँ से है, खुद वो मुस्लिम है, तो वो कर किस पर लगाएगा, जो मुस्लिम नहीं है, मतलब जो हमारे यहाँ हमला किया था जो मुस्लिम हिंदू थे, तो उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया मोहम्मद बिन कासिम ने। ठीक है, और उसका टैक्स का नाम दिया है जजिया। जजिया कर होता है जो नॉन मुस्लिम पर लगता है। ठीक है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जजिया कर को सबसे पहले किसने लगाया था, मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था।
ठीक है, जिसको बाद में तुम पढ़ोगे बाद में कि जो अकबर था उसने ख़त्म कर दिया था, अकबर ने ख़त्म कर दिया था, बाद में फिर जो औरंगजेब आया था उसने फिर से इसको लगा दिया था, ठीक है। ब्राह्मण था, ब्राह्मण शाही था, ठीक है, दाहिर सिंध साम्राज्य का राजा था, बता ही दिया मैंने। हाँ, अब बात आती है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया था, हमें इस बात का कैसे पता? तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई किताब होती है जिनके बारे में, इन घटनाओं के बारे में लिखा जाता है। जैसे एक इम्पोर्टेंट किताब आप सभी ने पढ़ी होगी जो अकबर के ज़माने में भी थे, अबुल फजल, है ना, जिनकी बुक आती है आईने अकबरी, है ना। तो ऐसे ही एक बुक है चचनामा। चचनामा किताब में कासिम के आक्रमण की ही जानकारी मिलती है कि कासिम ने ऐसे ऐसे यहाँ पर अटैक किया था। उस बुक की उस अटैक की इन्फॉर्मेशन मिलती है, बुक का नाम है चचनामा। यह भी आपको याद करना है, इम्पोर्टेंट। मोहम्मद बिन कासिम के बाद में दूसरा हमला किया था महमूद गजनी, या मैं कहूँ गजनवी, दोनों एक ही नाम है, ठीक है। यह भारत पर आक्रमण करने वाला दूसरा दूसरा मुस्लिम आक्रमणकारी था। मैंने पहले बताया था आपको, पहला मुस्लिम नाम आएगा तो आएगा आपका मोहम्मद बिन कासिम, पहला आएगा नाम अरबी का तो नाम आएगा मोहम्मद बिन कासिम का, अगर नाम आएगा पहला तुर्की आक्रमणकारी तो नाम आएगा महमूद गजनी या फिर गजनबी। और क्वेश्चन को आएगा कि दूसरा कौन था तुर्की आक्रमणकारी, तो नाम जाएगा आपका मोहम्मद गौरी, ठीक है। तो हो गया, इनके पिता का नाम था सुबुक्तगीन, इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। एक क्वेश्चन और बनता है कि किसने भारत पर 17 टाइम्स 17 बार आक्रमण किया था, अटैक किया था? आंसर जाएगा महमूद गजनी, ठीक है, जिसमें आपने सुना होगा एक गुजरात में सोमनाथ के किले पर भी हमला हुआ था, सोमनाथ मंदिर पे हुआ था जो भगवान शिव के लिए समर्पित है, तो वो भी महमूद गजनी ने ही किया था। तो पहला आक्रमण हुआ था 1000 ईस्वी में, है ना, वो हुआ था भारत की जो पश्चिमी सीमा है, जो वेस्ट साइड है, यहाँ पर हमला किया था, ठीक है, महमूद गजनी ने, याद रहे 1000 ईस्वी। 1000 के बाद में, 1 साल बाद में 1001, ठीक है, पहला जो कासिम ने किया था वो था 712 में, फिर जो अपना महमूद गजनी है उसने किया था 1000 में पहला युद्ध किया है, फिर 1001 में दूसरा युद्ध हुआ है, तो 1001 में किया था। दूसरा आक्रमण हुआ है सिंध पर, याद रहे मोहम्मद बिन कासिम का पहला युद्ध ही सिंध के साथ हुआ था, यहाँ पर दूसरा युद्ध होगा सिंध के साथ में, ठीक है। और इस समय सिंध का राजा कौन है? राजा है जयपाल, ठीक है। तो जयपाल भारत का ऐसा पहला राजा था जिसने गजनी का सबसे पहले सामना किया था, ठीक है, क्योंकि पहले इसने आक्रमण किया है भारत की पश्चिमी सीमा की और वेस्ट साइड में, वहाँ एक तरह से कोई नहीं था। जब इसने दूसरा आक्रमण किया था 1001 में, उस समय सिंध पर किया था, सिंध का राजा आपको पहले पता है कि दाहिर था, जिसको मोहम्मद बिन कासिम ने मार दिया है, ख़त्म कर दिया है। तो यहाँ पर अब आएगा राजा जयपाल, तो जयपाल ही सबसे पहला राजा था जिसने इसने जो महमूद गजनी है इसका सबसे पहले सामना किया था। आपको बताया था कि 17 टाइम्स 17 बार आक्रमण किए थे इसने, 2 युद्ध हो चुके हैं, बाकी के बीच के जो युद्ध हैं इतने इंपॉर्टेंट नहीं हैं, हम देखेंगे 16 और 17 अटैक कैसे कैसे हुए थे। तो जो 16वां आक्रमण है वो कैसे हुआ था, कब हुआ था? वो हुआ था 1025 में, ये हुआ था गुजरात के सोमनाथ मंदिर में, काफ़ी फेमस है, इंपॉर्टेंट भी है, आप सबको पता भी होगा, गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर हुआ था। यह मंदिर गुजरात में है और हिंदू धर्म और भगवान शिव से संबंधित है, मतलब भगवान शिव के लिए ही पूरी तरह से डिवोटी है, समर्पित है। अब यहाँ पर गुजरात का राजा कौन था? राजा है भीमसेन, ठीक है, राजा है भीमसेन। लेकिन भीमसेन वहाँ से भाग गया था क्योंकि महमूद गजनी ने आक्रमण किया है, तो जो भीमसेन थे वहाँ से भाग गए थे, ठीक है, भाग गए थे। तो गजनी ने उस पीरियड में, उस टाइम पे इस मंदिर को इतना बुरी तरह से तहस नहस किया था, आप सभी को पता भी होगा, और भयंकर उसको लूट लिया था, जिससे इसको बहुत ज़्यादा सोना चांदी इसको मिली थी और बहुत ज़्यादा इसको पैसा मिला था वहाँ से। फिर होता है 17वां आक्रमण 17, तो वो हुआ था 1027 में, 712, 1000, 1001, 1025, 1027, ठीक है। यह इसका महमूद गजनी का यह भारत पर अंतिम आक्रमण था, इसके बाद में गजनी ने आक्रमण नहीं किया था, यह आक्रमण था जाटों के खिलाफ, जो जाट होते हैं उनके खिलाफ था। कहते हैं कि जब महमूद गजनी सोमनाथ मंदिर को लूट के अपने यहाँ पर लेकर जा रहा था, तो बीच रास्ते में जाटों ने इसको रोक लिया था,
और कहते हैं कि जाटों ने इसका कुछ जो सोना चांदी थी, कुछ जो धनराशि थी, उसको वापस ले भी लिया था। तो याद रहे, 17वां आक्रमण किसके खिलाफ था, किसके अनेश का, वो था जाटों के खिलाफ था। ठीक है, अब बात आती है महमूद गजनी की मौत कब हुई थी। वो हो गई थी 3 साल बाद में, मतलब 1030 ईस्वी में, 1030 AD में, जो अपना ये अपना तो नहीं कह रहा, जो महमूद गजनी है इसकी मौत हो गई थी। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि महमूद गजनी के साथ अपने इंडिया में जब आक्रमण हुआ था तो साथ कौन आया था। ठीक है, नाम जाएगा अल बरूनी। अल बरूनी ये गजनी के साथ भारत आए थे। इन्होंने जो तीन इम्पोर्टेंट किताबें हैं आपको याद भी रखनी है, उनको लिखा था। पहला नाम है तहकीक ए हिंद, तहकीक ए हिंद। दूसरा है किताबुल ए हिंद, और एक तीसरा है भारत की खोज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तीन बुक है आपको याद रखनी है। अल बरूनी है जो गजनी के साथ आया था, तीन किताब का नाम याद रखना है, तहकीक ए हिंद, किताबुल ए हिंद, भारत की खोज। अब तीसरा आएगा मोहम्मद गौरी। ठीक है, मोहम्मद गौरी के बारे में आप सभी को पता होगा, अजमेर शासक थे, पृथ्वीराज चौहान युद्ध में हरा दिया था, मार मार के इसको भगाया था मोहम्मद गौरी को, फिर धोखा दे के इसने फिर से अपने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण कर दिया था। पृथ्वीराज चौहान जाने जाते हैं किस चीज़ के लिए, जैसे हमारे यहाँ, जैसे मैं राजस्थान से हूँ, तो हमारे यहाँ राजपूतों में, आपका तो पता नहीं, उस टाइम पे जो भी राजपूत राजा हुआ करते थे, उनके एक टाइम की एक बात है, वो कहते थे कि हमारे यहाँ जो भी शरण लेने के लिए आएगा, मतलब जो भी हमसे अपने दया की भीख मांगेगा, हमसे हो सकता है कि रहने के लिए जगह मांगे, तो कभी वो मना नहीं करते थे, हर किसी पर विश्वास कर लेते थे, ये चीज़ें हुआ करती थी। तो मोहम्मद गौरी ने ऐसे ही इन पर आक्रमण किया था। ये क्या बताते हैं, जब पहला युद्ध हुआ था, तराइन का पहला युद्ध हुआ था 1191 में, 1191 AD में हुआ था, तो उस टाइम पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया था। पृथ्वीराज चौहान चाहते तो मोहम्मद गौरी को वहीं मार सकते थे, लेकिन मोहम्मद गौरी डर के भाग गया। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान की वो सबसे बड़ी गलती थी कि पृथ्वीराज चौहान ने उसका पीछा नहीं किया और उसको मारा नहीं। अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को पहले युद्ध में, तराइन के पहले युद्ध में मार दिया होता, तो अपना जो इतिहास है वो कुछ आज और अलग होता। ठीक है, अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को मार दिया होता तो अपना इतिहास कुछ अलग होता। क्यों? अगर गौरी मर जाता तो पृथ्वीराज चौहान की मौत नहीं होती। पृथ्वीराज चौहान की मौत नहीं होती तो अपने यहाँ पर जो मुगल शक्तियाँ हैं वो नहीं आ पाती, तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो कहा भी जाती है ये बातें कि अगर पृथ्वीराज चौहान ने उसको मार दिया होता तो चीज़ें काफ़ी बहुत कुछ बदल सकती थी। ठीक है, तो मोहम्मद गौरी के बारे में देखते हैं। बताया था मैंने आपको भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी है, दूसरा तुर्की आक्रमणकारी है, क्योंकि पहला तुर्की आक्रमणकारी कौन है, वो है महमूद गजनी या फिर गजनवी, एक ही बात है। तो मोहम्मद गौरी ने पहला युद्ध किया था 1127 मुल्तान पर, मुल्तान एक जगह है, वहाँ पर हमला किया था। ठीक है, दूसरा आक्रमण किया था 1178 में, 1178, यह किया था गुजरात में। आपको याद होगा कि महमूद गजनी ने भी युद्ध किया था कहाँ पर, गुजरात में। उस समय राजा कौन था, भीमसेन, जो भग गया था। अब यहाँ पर उसका आई थिंक बेटा है ये भीमसेन सेकंड, है ना। इस समय भीमसेन सेकंड ने गौरी को पराजित कर दिया था, गौरी को हरा दिया था। यह गौरी की पहली हार थी। गौरी की पहली हार कहाँ हुई थी, जब वो अपना आक्रमण करने 1178 में गुजरात गया था। गुजरात का राजा है भीमसेन सेकंड, भीमसेन फर्स्ट याद है आपको, जो भग गया था जब महमूद गजनवी ने सोमनाथ के मंदिर पर हमला किया था। सोमनाथ मंदिर कहाँ है, गुजरात में है। क्वेश्चन बनता है सोमनाथ मंदिर किस भगवान के लिए जाना जाता है, आंसर जाएगा भगवान शिव के लिए। ठीक है, अब बात आती है, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, हमेशा पूछा ही पूछा जाता है कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, तराइन का पहला युद्ध और तराइन का दूसरा युद्ध। तराइन का पहला युद्ध है, आप दोनों की जो डेट है, ईयर है, ये भी याद रखना है। पहला युद्ध हुआ है 1191 में, 1191, और दूसरा है 1192। तो 1191 है 1191 में, यह कि यहाँ पर क्या हुआ था,
यह युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था और इसमें पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को बुरी तरह हराया था, मार मार के भगाया था, ठीक है। और यह गौरी की भारत में दूसरी हार थी, क्योंकि पहली हार कब हो चुकी है इसकी, जब यह भीमसेन सेकंड से लड़ने गया था गुजरात में। फिर है तराइन का दूसरा युद्ध। दूसरा युद्ध हुआ है 1192 में, 1192। यह युद्ध यह फिर से गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। गौरी ने चौहान को इस युद्ध में पराजित कर दिया था चालाकी से। उस समय याद रहे आपको, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी के साथ कौन सा सेनापति आया था। नाम जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। यह कुतुबुद्दीन ऐबक वही है जो बाद में दिल्ली सल्तनत में दास वंश, गुलाम वंश, स्लेव डायनेस्टी की स्थापना करता है, मतलब जिस वजह से दिल्ली सल्तनत जानी जाती है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी के साथ आया था, ठीक है। फिर बात आती है पृथ्वीराज चौहान के बारे में, थोड़ा देख लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान है, इनकी पत्नी का नाम था संयोगिता, और संयोगिता से पृथ्वीराज चौहान ने प्रेम विवाह या फिर लव मैरिज की थी। अब थोड़ा सा देख लेते हैं संयोगिता के बारे में। आपको पता होगा कि संयोगिता के फादर थे जयचंद। जयचंद कौन थे? जो राजा थे कन्नौज के, कन्नौज के राजा थे जयचंद, जिनकी पुत्री थी, बेटी थी संयोगिता। संयोगिता को प्यार है पृथ्वीराज चौहान से। अब एक बात समझो कि जो जयचंद है वो तैयार नहीं था चौहान से, पृथ्वीराज चौहान से संयोगिता की शादी करने के लिए, ठीक है। तो जब पहले युद्ध में क्या हुआ कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हरा दिया, तो मोहम्मद गौरी उस केस के बाद में क्या हुआ था, पृथ्वीराज चौहान ने संयोगिता से कर ली शादी। जयचंद हो गया गुस्सा या नाराज, तो युद्ध में कहते हैं कि जयचंद ने पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया था, इस वजह से ये हार गए थे, ठीक है। फिर एक युद्ध आता है चंदावर का युद्ध। मैंने बताया था आपको कि जयचंद ने साथ दिया है मोहम्मद गौरी का, पृथ्वीराज चौहान का साथ नहीं दिया, जिस वजह से तराइन के दूसरे युद्ध जो 1192 में हुआ था पृथ्वीराज चौहान की हार हो चुकी है। अब वो ये ना, कोई आदमी बाहर से आक्रमण करने आया, आपने उसकी बात मान ली, लेकिन है तो वो बाहर वाला ही, कब तक आपके साथ रहेगा। तो सेम यहाँ हुआ कि यहाँ पर अब जो अपना मोहम्मद गौरी है उसने कर दिया हमला किस पर, जयचंद पर, ठीक है। मतलब जयचंद ना रहे यहाँ के ना रहे वहाँ के, और जयचंद राजा कहाँ के हैं, वो है कन्नौज के। तो तीसरा युद्ध आया चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध याद रहे 1191 में हुआ है तराइन का पहला युद्ध, दूसरा हुआ है 1192 में, 2 साल के गैप के बाद 1194 में, 1194 में हुआ है चंदावर का युद्ध। याद रहे राजा है जयचंद, चंद से याद कर लो चंदावर। चंदावर का युद्ध हुआ है, यह युद्ध गौरी और जयचंद के बीच हुआ था, और इस युद्ध में गौरी ने जयचंद को हरा दिया था। इसलिए आपसे कहा जाता है कि आप मोहल्ले पड़ोस या दोस्त वगैरह की बातों में ज़्यादा ना आए करें, आपकी फैमिली की परवाह करें, आपकी फैमिली आपके बारे में ज़्यादा सोचती है बजाय और लोगों के, ठीक है। फिर हरा दिया है, और 1194 में, फिर बाद में 1206 में गौरी की मृत्यु भारत में हो गई, ठीक है। कभी कभी पूछ लेते हैं कि गौरी की मृत्यु कब हुई थी, यह हुई थी 1206 में। अब जब गौरी की मौत हो गई है, ठीक है, और इसी पीरियड में क्या हुआ था कि जो पृथ्वीराज चौहान है वो भी नहीं रहे, एक तरह से जो दिल्ली सल्तनत है, जो दिल्ली की गद्दी है वो पड़ी है खाली, ठीक है। जब दिल्ली की गद्दी खाली पड़ी है, यहाँ पर आपके जो बाहर के जो मुस्लिम्स हैं उनका आक्रमण हो चुका है, अब वो ही सर्वे सर्वा हैं, तो क्या होगा, अब वो बैठेंगे दिल्ली की गद्दी पर, ठीक है। तो गौरी को भारत में मुस्लिम धर्म का संस्थापक माना जाता है। बताया था पहले मैंने आपको कि यहाँ पर बाहरी जो मुस्लिम्स थे उन्होंने आक्रमण क्यों किया था, जिस वजह से हमारे धर्म का, इस्लाम का प्रचार प्रसार हो सके, तो उनको यही करना था। गौरी उसमें कामयाब हो गया, सक्सेसफुल हो गया। तो मोहम्मद गौरी को भारत में मुस्लिम धर्म का संस्थापक या फाउंडर माना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में मुस्लिम धर्म का फाउंडर किसको माना जाता है, मोहम्मद गौरी को। फिर गौरी की मृत्यु के बाद मैंने आपको बताया था सेकेंड युद्ध, तराइन के सेकेंड युद्ध में कौन साथ आता है गौरी के, वो आया था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो गौरी की मृत्यु के बाद में उनके सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश, गुलाम वंश की स्थापना की थी। दास वंश या गुलाम वंश नाम क्यों पड़ा है, दास क्या होता है या स्लेव क्या होता है,
कि मैं आपका गुलाम हूँ, आप जो बोलोगे मैं आपकी बात मानूंगा। अब चूंकि राजा बली से अब दिल्ली सल्तनत है, उसकी स्थापना भले ही कुतुबुद्दीन ऐबक ने की हो, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक सेनापति किसका था? मोहम्मद गौरी का था। अगर मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान को ना हराता तो राजा नहीं बनता दिल्ली सल्तनत का ये कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये उसका दास था मोहम्मद गौरी का, इसलिए इन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी। दास कहूँ या कहूँ गुलाम वंश या फिर कहूँ मामलुक वंश, एक नाम इम्पोर्टेंट है मामलुक, कि मामलुक वंश की स्थापना किसने की थी? तो मामलुक, दास, गुलाम, स्लेव सब एक ही नाम है, आंसर जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो गौरी की मौत के बाद में सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश गुलाम वंश की स्थापना की थी। यहीं से भारत के इतिहास में दिल्ली सल्तनत दहली डायनेस्टी की स्टार्टिंग शुरुआत हो चुकी थी। ठीक है, मज़ा आया पढ़ने में, काफ़ी चीज़ें आपको काफ़ी हद तक क्लियर होती चली गई होंगी कि चीज़ें किस तरह होती हुई जा रही हैं, है ना। इस्लाम कैसे आया अपने हिंदुस्तान में, मोहम्मद गौरी कैसे आया, गजनी कैसे आया, है ना, जो चौहान थे पृथ्वीराज चौहान वो कौन थे, जयचंद्र से झगड़ा क्यों हुआ, संयोगिता कौन थी, जो अपनी दिल्ली सल्तनत है वो क्यों बनी, क्योंकि दिल्ली गद्दी पर कोई था ही नहीं, अपना जो हिंदुस्तान है वो खाली पड़ा था उस समय, तो बाहर से जो भी आया उसने यहाँ पर शासन कर लिया अपना। ठीक है, तो अब हम अगली वीडियो में देखेंगे दिल्ली सल्तनत दहली डायनेस्टी के बारे में। उम्मीद है आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और मैं बता दूं आपको, अभी आपको लगेगा नहीं लेकिन जब भी आप इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखोगे हिस्ट्री के, तो आपको 80 से 85% या 90% क्वेश्चन जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ यहीं से मिलेंगे आपको। ठीक है, यकीन ना हो तो आप देख लेना बाद में, जब एग्ज़ाम दे के आओगे तब आपको पता पड़ ही जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आगे की जो इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुँच जाएगी। और आपका कैसा कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे हमारा जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पर हमने हमारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम सबकी लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है, वहाँ जाकर भी आप मैसेज कर सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।